केमिकल बॉन्डिंग। तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर विच इज इनडिविजिबल। तो कहा जाता था कि एटम जो है मैटर का वो यूनिट है जो कि इनडिविजिबल है, जैसे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। मगर हम मैटर को जो है वो मजीद डिवाइड कर सकते हैं किसमें? उसके सब पार्टिकल्स में। एंड दीज सब पार्टिकल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर तुम न्यूक्लियस देखोगे तो इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यू सी इट इज प्रोटॉन, एंड द ब्लैकिश कलर शोइंग द न्यूट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हें ऑर्बिट में नजर आ रहे हैं विच इज हैविंग माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होते हैं ये बात रखना, याद रखना कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि अगर एक एटम के पास जो एटॉमिक नंबर है लेट सपोज वो 5 है, तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 5 है। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 10। और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। और किस वक्त इक्वल होंगे? उस वक्त इक्वल होंगे जब एटम न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट से मुराद ये होती है कि ना तो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इन दैट पार्टिकुलर केस द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन वेरी इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पजेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी करते हैं किस बुनियाद पे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पजेस, मतलब उसके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 7, इट्स सीन इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे ऑल विल बी हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज इन देयर स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन के पास, हर इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स पाया का जाता है अगर एट द सर्टेन एनर्जी लेवल, जिस जगह पाया जाता है जिस एनर्जी लेवल में पाया जाता है दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल, उसे इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी वैरी क्यों कर रही है? याद रखिएगा कि एटम अगर पहले शेल में होगा, दूसरे शेल में होगा या तीसरे शेल में होगा तो ये कभी भी रेस्ट में नहीं आते। ये इलेक्ट्रॉन्स एक तो मूव कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है पहले शेल में तो ये जंप करके दूसरे शेल में जाएगा। कब जाएगा? व्हेन इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह से दूसरे शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करके आता है पहले शेल में व्हेन देयर इज अ शिफ्टिंग इन द एनर्जी। तो याद रखिएगा जब कभी भी शेल बड़े लेवल से, बड़े एनर्जी लेवल से, बड़े इलेक्ट्रॉन शेल से छोटे इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करके शिफ्ट करके आता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से यानी कि फोर्थ शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है तो ये इनर्जी रिलीज करेगा। और फिर फोर्थ शेल से जंप करके ये सेकेंड शेल में आ जाएगा, थर्ड शेल में आ जाएगा या फर्स्ट शेल में चलाएगा। इसी तरह से जो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर्जी गेन करता है एंड दैट गेन एनर्जी रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू फोर्थ शेल। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करते थे, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जंपिंग। पहले शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाए, दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले में आ जाए या तीसरे शेल में चला जाए। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग अहेड, द इलेक्ट्रॉन शेल्स डिटरमाइंस हाउ एन एटम बिहेव्स व्हेन इट एनकाउंटर्स अदर एटम्स। इलेक्ट्रॉन शेल ही हमें ये बताएगा कि किस तरह से एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ बिहेव करते हैं। लाइक लेट्स सपोज एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम है दैट इज हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स इलेक्ट्रॉन शेल, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो होना क्या चाहिए? जिस एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन शेल्स डिटरमाइन हाउ एन एटम बिहेव्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शेल डिसाइड कर रहा है कि होना क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करना है, वहां से अट्रैक्ट करना है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होगी, दिस इज ऑल डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन शेल्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोई ना कोई रूल होगा। सो इट इज द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। याद रखो कि पहला शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लोगे, इट्स मीन व्हाट? द फर्स्ट शेल में हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स।
it is an incomplete statement. मैं ये कहूंगा the first shell may have a single electron or two, but no more than two electrons can be added to the first shell. I repeat कि पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसी तरह से पहले शेल को हम डुप्लेट कहते हैं, द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट, और इसके बाद में आने वाला जितने भी शेल्स होंगे दैट आर कॉल्ड ऑक्टेट, एंड ईच शेल देयर आफ्टर इट्स बीइंग व्हाट आफ्टर द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट अगेन इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच अ शेल कैन ऑक्युपाई। आई रिपीट कि फर्स्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट शेल विच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड देयर आफ्टर ऑल आर कॉल्ड ऑक्टेट, एंड दे मैक्सिमम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देम। इट डजंट मीन दैट ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दे मे हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 और 8, बट नॉट मोर दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्युपाइड in the subshell, in the shell, or in the electron cloud. I hope the point clear hai. So moving ahead, pehla atom main dikha raha hu screen par, that is the hydrogen atom. Hydrogen atom is represented by the capital H. The atomic number of hydrogen is what? It has atomic number is 1. So you see, it has no electron, no proton in its nucleus, but a single neutron is found. Aisa hoga? Aisa nahi hoga? Electron atom may have proton and electron, but it is possible the atom may not have the neutron. Iske paas neutron nahi bhi ho sakta, but electron or proton jo hai ye definitely atom ke structure mein maujood hote hain. So this is the structure of hydrogen atom, which is having a single proton inside the nucleus and an electron or electron iske paas hai. So this is the first shell which may have the two electrons. The dotted line shows that it may have a single electron more. Ek aur electron ho sakta tha, but it doesn't have the second electron. Dusra electron nahi hai, lekin ho sakta tha. So it's saying what the first shell may have the two electrons, but it is occupying a single electron. So it doesn't mean any sort of changes in the structure of this atom. Ab carbon ka atom consider karte hain. So carbon has atomic number 6, represented by the capital C. Ab C mein आपके पहले शेल में, यानी कि द फर्स्ट शेल, दिस इज कॉल्ड द डुप्लेट, हैविंग टू इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट एंड द सेकंड शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट, सो द ऑक्टेट मस्ट हैव ईच इलेक्ट्रॉन, सो अगेन आई हैव इनकम्प्लीटेड द स्टेटमेंट बाय स्टेटिंग दैट इट मस्ट हैव ईच इलेक्ट्रॉन, इट डजंट मस्ट हैव, इट मे हैव ईच इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट इट मे हैव ईच इलेक्ट्रॉन्स बट इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट डज इट मीन, इट कैन एक्सेप्ट further 4 electrons or it can donate these 4 electrons, ya to char electron ko gain kar le ya lose kar de, ye is carbon ki pass property hai ya ability hai, but again this dotted line shows that this structure of carbon may have 4 more electrons in order to complete its octet shell. Now third atom is the nitrogen, represented by the capital N, atomic number is the 7, so it means the first shell may have the 2 electrons and the second shell will be having the 5 electrons, 1, 2, 3, 4 and 5. It means what? It can have 3 more electrons. So ab ye kya karega? Mazid 3 electrons kisi neighboring atom se gain kar lega. But again, jis atom se gain karega, uske paas electron ki tadad 3 ya usse kam hogi. Oxygen atom, which is having atomic number 8, means 8 proton in the nucleus. First shell will be having 2 electrons and the 6 electrons will be in the second shell. 2 electrons went to 4 and 5 and 6. तो इसे मज़ी 2 electrons की ज़रूरत है। अब अगर आप इसे इसी slide को screen पे जरा focus करेंगे, तो मैं हमेशा electrons को pair में यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक इसके साथ है, तो दूसरा। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये electron यहाँ होगा? याद रखिएगा, electron हमेशा पेयर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाए हुए हैं, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, इसके पास पेयर नहीं है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट करेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है और यहाँ पे पेयरिंग मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर 2 जगह पर गेन कर सकता है। तो व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? एटम्स बीट टुगेदर, एटम्स
tend to get the lose or share electrons so as to have electrons. Yeah, so atoms, it tends to have electrons, or it may lose electron or share electrons. So why does the atom do in order to have 8 electrons in its structure? I repeat, carbon has 6 electrons. First shell may 2 electrons and the second shell have 4 electrons. So it means what? Carbon would like to gain 4 electrons in order to complete its shell. Now see the structure of the atom, which is nitrogen. So nitrogen has atomic number 7, having 2 electrons in the first shell, 5 electrons in the second shell. It's mean what? It may have 3 electrons. And why does it, why it will require 3 electrons in order to get its octet shell filled? Similarly, oxygen will be requiring 2 more electrons in order to fill the shell. But agar, if you talk about the hydrogen atom, so hydrogen will lose its electron from the valence shell. Why? In order to complete its shell. In order to complete its shell, it may have a single electron, or it has the ability to lose its valence shell electron. So usually hydrogen tends to occur the ionic bonding, which we have discussed in our previous classes. So I repeat, what is the octet rule? Atom may gain the electron if it is having 5 electron or 6 electron or 7 electrons. So it will be responsible, it will be accepting the electrons to get its octet shell filled. Atom may lose the valence shell electron. Let's suppose the atom have 1 electron, 2 electron or 3 electron in the valence shell. So it will release these 3, 2 or 1 electron. And again, the electrons may be shared. Let's suppose the structure of the carbon atom. Carbon has 4 electrons in the outermost shell and it requires 4 electrons. So carbon has both the abilities, either to donate or to accept the 4 electrons. So usually carbon forms the covalent bonding. And what is covalent bonding? Covalent bonding is the mutual sharing of electrons between two similar or dissimilar kind of atoms, which I have taught in our previous classes. So carbon would like to gain 4 electrons, nitrogen will accept 3 electrons, and oxygen will gain 2 electrons. Now why are the electrons important? Elements have different electronic configurations. Electronic configuration different. If you different, let's suppose an atom which is having a single electron, so its configuration, I have told you, how will you write 1s1? So different electronic configuration means different levels of bonding. Their bonding will be different. Okay, like the lithium has a single electron in the valence shell, so it undergoes usually the single ionic bonding. It usually forms an ionic bonding. Let's suppose the carbon, the elements from the family of the carbon have 4 electrons in the valence shell, so they usually undergoes the mechanism or the type of bonding is covalent bonding. The group number 5 usually forms a single type of covalent bonding. So group number 6 forms the double covalent bonding. So elements may have different electronic configurations. Because of what? Different electronic configurations is the different levels of the bonding. Now, dekho, hydrogen atom dikhaya hai. Iske paas first shell. Second shell means lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon all have second shell. It means they have the octet shell. But the first 7 group have incomplete octet shell, while the rest, last one, which is the neon, is the only element which has complete octet shell. मैं इस बात को अभी बाद में रिपीट करूंगा. लिथियम क्या है? पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ व्हाट? इट हैज एटॉमिक नंबर 3. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके पास तो इस 3 पर 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 3 और 1 के 4. इसी तरह से बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 2 3 4 एंड ये 5. इसी तरह कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये. अब बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द फर्स्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has only a single shell. Similarly, the second shell will be occupying the elements from the group number 1 till the group number 8, but it is responsible, they must belong to the period number 2. Similarly, if the elements are belonging from the period number 3, they must have 3 shells in their atomic structures. Isi tarah se fourth shell hoga, so that will be having the four shell. Period number 5 hai, so they will be having the 5 shells. Period 6 hai, तो 6 शेल. पीरियड 7 है तो 7 शेल होंगे. पीरियड 8 है तो 8 शेल होते, लेकिन पीरियड 8 एक्जिस्ट नहीं करता है. देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इसी तरह से याद रखो कि जैसे 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 आप ग्रुप्स की बात कर रहे हो, द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिथियम फैमिली,
belongs to the group number 1. So they all have a single electron in the valence shell. अब तुम देखो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहा है. इसी तरह से तुम सोडियम को देखोगे तो सोडियम के पास आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जैसे मैग्नीशियम है तो विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन फैमिली में आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो एल्युमिनियम के पास भी 3 है. कार्बन फैमिली में पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सिलिकॉन के पास भी 4 है. नाइट्रोजन के पास 5 है. फास्फोरस इस फैमिली तमाम फैमिली में तमाम इलेक्ट्रॉन तमाम एटम्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. फैमिली नंबर 6 में आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 में 7 और 8 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉटेड स्ट्रक्चर्स की. अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी व्हाट इट इज हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. इसी तरह से ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो लिथियम हो सोडियम हो पोटेशियम हो रुबिडियम हो सीजियम या फ्रांसियम, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 2, so it's mean what it will be having the two electrons in the outermost shell, whether the element is beryllium, it is magnesium, it is cesium, it is strontium, it is barium or radium, whatever the element is. If the element is from the group number 2, it will be having two electrons. Similarly, the elements from the group number 3 will be having 3 electrons. Group number 4 means 4 electrons, 5 means 5 electrons, 6 means 6 electrons, 7 means 7 electrons, and 8 means 8 electrons. अब चूंकि द ग्रुप नंबर 8 हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सो यूजुअली द ग्रुप नंबर 8 डज नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज व्हाई द ग्रुप नंबर 8 इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप. आई रिपीट, ग्रुप नंबर 8, द एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 8 लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन आर द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो दे डू नॉट अंडरगो द मैकेनिज्म ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते. तो एमसीक्यूज में तुमसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द जीरो ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8. तो डेफिनेटली द आंसर इज ग्रुप 8. इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसे हम आइडियल गैसेस भी कहते हैं, इसे हम नॉर्मल गैसेस भी कहते हैं, और ये वो एलिमेंट्स है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते.